देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो। वीडियो है आगरा का और ये वीडियो जुड़ा हुआ है आप सबके फेवरेट या फिर कहें मेरे भी फेवरेट और भोजपुरी के महान खलनायक जिन्हें कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ संजय पांडे जी का। मैं बता दूँ उनका कल जन्मदिन था, कल यानी 12 मार्च को उनका जन्मदिन था और उन्होंने ताम झाम से या शोर शराबा से जन्मदिन नहीं मनाया, बहुत ही खूबसूरती से जन्मदिन मनाया। मैं बता दूं इस वक्त वो फिल्म माही की शूटिंग कर रहे हैं आगरा में और जब उनका जन्मदिन आया तो वहाँ के एक वृद्धा आश्रम जिसका नाम है रामलाल वृद्धा आश्रम वहाँ पे गए। वो एक अनाथ आश्रम भी है, वृद्धा आश्रम भी है और वहाँ पे अपने यूनिट साथ ही अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे गए जन्मदिन मनाने। फैमिली से उनकी वाइफ रागिनी पांडे और उनकी बेटी रुमझुम भी वहाँ पे मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरती से वहाँ पे जन्मदिन मनाया, दान उन किए, बहुत ही इमोशनल पिक्चर्स आ रहे हैं। एक पिक्चर तो मेरा भी फेवरेट है जिसमें उनकी पत्नी रागिनी जी जिनको उपहार दे रही है, जिनको गिफ्ट दे रही है, उनके पैर भी छू रही हैं और उनसे ये भी कह रही हैं कि मेरे पति के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना कीजिए। मुझे लगता है 2021 उनके लिए बेहद खास होगा क्योंकि इतना अनोखा बर्थडे सच में अभी तक तो किसी ने नहीं मनाया। इस साल की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री जाना ही जाता है हमेशा दान के लिए। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत खूबसूरत है और रामलाल वृद्धा आश्रम भी बहुत खूबसूरत जगह है और मैं भी एक बार वहाँ जाना चाहूँगी। हाँ, लेकिन यूएनएन मीडिया की तरफ से एक बार फिर से संजय पांडे जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ तो वीडियो क्यों नहीं दिखा रही हूँ, तो आपको दिखाते हैं एक खूबसूरत वीडियो जो मेरे भी दिल को छू गया, तो आइए दिखाते हैं। जियो 1000 साल